माता लंकेश पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो भयंकर विनाश अग्नि प्रज्वलित की है रावण, वो एक दिन भस्म करेगी तुम्हारी इस लंका को। तुम्हारे जैसा पापी अपने और अपने परिजनों के सर्वनाश का कारण बनता है। तुम वो भीरू गिदड़ हो रावण, जो मेरे स्वामी और भैया लक्ष्मण जैसे नरसिंहों का सामना करने में अक्षम है। बस, बस, बस। शांत हो जाओ और सुन लिए तुम्हारे कटु वचन। देवी सीता ने तो कुछ कहा ही नहीं। कदाचित लंकेश देवी सीता द्वारा पूर्व में कही गई बातों को ही स्मरण कर रहे होंगे। बस! अब अपना और अपमान नहीं सहेगा ये रावण। त्रिलोक विजेता रावण को दंड देगा वो तुम्हारा वनवासी। कदापि नहीं। पुत्र, मेरे विचार से अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। क्रोधित रावण अपना आक्रोश माता दुर्दुभी और अन्य पाताल वासियों पर बरसा सकता है, जिनकी सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ पुत्र, क्रोध अधर्मी को और विनाशकारी बना देता है। उसकी क्रोध जनित क्रूरता को रोकने के लिए धैर्यवान और समर्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम्हारा लौटना अनिवार्य है। जो आज्ञा प्रभु। आपकी सेवा का यह लघु अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिताश्री। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री, अब प्रस्थान करें हनुमान। हम सब आपके सुरक्षित लौटने पर बहुत हर्षित हैं, परंतु रावण द्वारा इस प्रकार के अमर्यादित आक्रमण एवं छल करने के पश्चात उसे कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कठोर दंड मिलना चाहिए। अंत कर देंगे इसका। वो रावण जो अभी तक झुका नहीं, उसको झुकाने का और उसको मिटाने का समय आ गया है। प्रभु, प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी जाकर उसके गर्व और झूठे दर्प को नष्ट कर देते हैं। नष्ट कर देंगे प्रभु, प्रभु नष्ट कर देंगे हम। हनुमान, क्या महाराज सुग्रीव की बात मानकर इस समय आक्रमण करना
धर्म सम्मत होगा। प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं आप। धर्म का पालन करना मैंने आप ही से तो सीखा है प्रभु। हमें युद्ध भी धर्मोचित और मानवीय मूल्यों के अनुसार ही करना चाहिए प्रभु। दुख और असाध से घिरे व्याकुल और अशांत रावण पर आक्रमण करना अनुचित होगा प्रभु। हमें उसे संभलने का अवसर अवश्य देना चाहिए प्रभु। हनुमान के वचन मेरे विचारों के अनुरूप है। हम रावण को उसकी पीड़ा से उबरने का अवसर अवश्य देंगे। हो गया रावण, शरणागत बनेगा रावण। कदाचित यही प्रतीत हो रहा है ना तुम्हें? क्रांति है ये तुम्हारे, क्रांति। भयभीत होकर शरणागत वो होता है जिसे कुछ खोने का भय हो। मैं अपना सर्वस्व होम कर चुका हूं एक अमूल्य निधि को पाने के लिए, और अब भी मैं उस अमूल्य निधि को पा सकता हूं, और वो अमूल्य निधि हो तुम। कभी नहीं झुकेगा रावण, तुमको पाकर रहेगा, इतिहास के स्मृति पटल पर अंकित करेगा कि रावण शीश कटा सकता है परंतु कभी झुका नहीं सकता। इस संपूर्ण जगत में मैं एक ही हूं, उस वनवासी नर उसकी संपूर्ण वानर सेना को परास्त कर सकता हूं। अपने इस अपार बल और पराक्रम को प्रमाणित करने का ये सुनहरा अवसर कभी नहीं खो सकता रावण, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब तक महादेव की भक्ति से अर्जित पुण्य तुम्हारे पापों का प्रभाव क्षीण करते रहे, परंतु मुझे 11 मास तक बंदी बना रखने के महापाप से तुम्हारे समस्त पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ गिरे मेरे प्रत्येक अश्रु ने तुम्हारे विनाश की नींव को और सुदृढ़ बनाया है। तुम्हारी कुबुद्धि, तुम्हारा अहंकार आज तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से साक्षात्कार करवाने जा रहा हूं। मेरा नहीं, उस वनवासी का होगा सर्वनाश, जिसके संहार के लिए महादेव और ब्रह्मदेव के वरदानों के अतिरिक्त उस महाविनाशक शक्ति को जागृत कर अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। वो महाविनाशक शक्ति उन त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों से मेरा रक्षण करेगी। जिस प्रकार 11 मास तक तुम अपने उस वनवासी की प्रतीक्षा करते रहे, ठीक उसी प्रकार अब मेरी विजय की प्रतीक्षा करो। उस समय मैंने तुम्हारा हरण किया था, अब मैं तुम्हारा वरण करूंगा। स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो तुम मूर्ख। अब तुम्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहने या मेरे अपमान और तिरस्कार सहने का अवसर भी नहीं प्राप्त होगा। जाओ, जैसे कोई स्वयं अपने काल की आहट सुनकर स्वयं ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश कर जाए, जैसे कोई वन्य जीव सिंह का आखेट बनने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, उसी समान रणभूमि में तुम मेरे स्वामी श्री राम से अपने संहार के लिए जा रहे हो। शीघ्र ही तुम अपना खंडित शीश देखोगे। उसी समान रणभूमि में
तुम मेरे स्वामी श्री राम से अपने संहार के लिए जा रहे हो। प्रभु, आप धर्म को अग्रता देकर मेरे उस अधर्मी भ्राता को एक और अवसर तो प्रदान कर रहे हैं, परंतु मुझे भय है कि वो शोक मनाने के स्थान पर कोई और घोर निकृष्ट यत्न तो नहीं करने वाला। यदि सबकी मान्यताओं के आधार पर मैं ये स्वीकार कर भी लूं कि वो हनुमान शिवांश है, पर वो तो छिन्नर नारायण का अवतार है, तब भी उनसे टकराने के लिए एक अमोघ दैवीय शक्ति होगी मेरे पास, जो सदैव मेरी रक्षा करेगी। मैं माता तारा देवी को प्रसन्न करूंगा, उनकी निश्चित पूजा करूंगा मैं। निश्चित पूजा और वैदिक मंत्रों के निरंतर जाप से मैं माता तारा देवी को दर्शन देने के लिए विवश कर दूंगा, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बाध्य करूंगा मैं। फिर देखते हैं कि वो हनुमान और वो तुच्छ नर किस प्रकार युद्ध करते हैं मुझसे। महाराज विभीषण, अधर्मी चाहे कोई भी पद चुने, परंतु धर्म युद्ध मात्र धर्म पथ पर ही चलकर लड़ा जा सकता है। क्या यही एक विकल्प शेष है महाराज लंकेश? निषिद्ध पूजा के परिणाम अत्यंत भीषण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प सोचने का समय नहीं है मेरे पास। शीघ्र अंत करना है मुझे इस युद्ध का। परंतु महाराज, ये कार्य तो आप अत्यंत सहजता के साथ कर सकते हैं। स्मरण कीजिए महाराज देवी स्वरूपनखा के शब्द। परम पराक्रमी खर और दूषण और उनके 14,000 रक्ष सैनिकों का संहार करते समय वो राम अपने स्थान पे अड़िग खड़ा रहा। युद्ध के पूर्व ही घोषणा कर दी थी उस राम ने। यदि युद्ध करते समय मुझे एक पग भी पीछे हटना पड़ा तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। हमारे रक्ष योद्धा उसे तनिक भी नहीं डिगा सकते, पीछे नहीं हटे उस राम के पांव। अर्थात उसको एक पग पीछे हटाने से ही वो पराजित हो जाएगा। इसलिए युद्ध स्थल में पूर्ण एकाग्रता के साथ मात्र इतना करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा महाराज। कर दूषण अवश्य असफल हो गए, परंतु रावण उस वनवासी को पीछे हटने के लिए बाध्य कर देगा। कदापि असफल नहीं होगा रावण। महाराज, जब विजय प्राप्त करने का इतना सरल उपाय उपलब्ध है तो इतनी घोर निषिद्ध पूजा आखिर क्यों? नहीं, निषिद्ध पूजा से कदापि पीछे नहीं हटेगा रावण। अब किसी विपत्ति की छाया नहीं पड़ने दूंगा अपने ऊपर। महाराज लंकेश, निषिद्ध पूजा ही आपके लिए सबसे अधिक विपत्ति का कारण बन सकती है। सहज नहीं है निषिद्ध पूजा माता की। माता तारा का अत्यंत हिंसक, उग्र और प्रचंड रूप है महाराज। माता के उसी रूप की पूजा करना चाहता हूं मैं, जिसे उनका आशीष प्राप्त हो जाए। वो भीषण से भीषण युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। परंतु महाराज, ये भी तो सत्य है कि आज तक माता तारा की पूजा में कोई भी सफल नहीं हुआ। जिसने भी माता तारा के दर्शन प्राप्त भी किए वो उनके भीषण और उग्र रूप को देखकर काल के मुख में समा गए। मृत
मृत्यु की आशंका से भयभीत होना स्वभाव नहीं है मेरा, और प्राण खोने का कोई भय नहीं है मुझे। और यह भी ज्ञात है मुझे कि संकटों का सामना किए बिना कभी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। रावण हूं मैं, अपनी भक्ति से महादेव और ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न कर चुका हूं मैं, और आज माता शक्ति को भी प्रसन्न करके दिखाऊंगा मैं। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। दर्शन का एक चुक है ये भाग, एक चुक है ये भाग, एक चुक है ये भाग। कर राक्षसी प्रतीत होती है ये प्रचंड अग्नि, मेरे हृदय को विचलित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मायावी महाशक्ति जागृत हो, अपना रोष हुंकार प्रारंभ कर रही है। Oh!
तो इस प्रचंड शक्ति के प्रकोप को नहीं सह पाऊंगा। मेरा यहां से जाना ही उचित होगा। नहीं सहन कर सके कि उस दुष्ट रावण के सफलता का परिणाम जिसके लिए वो इच्छित होकर पूजा कर रहा। हाँ देवराज, संसार को घोर अनिष्ट से बचाने के लिए, रावण को रोकने के लिए, प्रभु श्री राम के धर्म और मर्यादा की सेवा के लिए हमें शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ये कैसा भूकंपन है? कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं? कहीं पुनः कुंभकर्ण की भांति किसी महादानव को भेज रहा है रावण, जिसके पग धरते ही धरती कंपित हो उठी है। कैसा धूम्र है ये जो लंका से उत्पन्न हो रहा है? ये ध्वनि और कंपन निरंतर एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं से उनका विस्तार हो रहा है। हमारी और किसी के बढ़ने का परिणाम नहीं है ये। क्या वो पुनः किसी मायावी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? दुर्जय शक्ति की साधना कर रहा है वो। अत्यंत भयंकर निषिद्ध पूजा कर माता तारा देवी की कृपा दृष्टि और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है रावण। प्रणाम देव देवी। विजय भव। प्रभु, यदि उस अधर्मी रावण ने निषिद्ध पूजा पूर्ण कर ली और माता तारा देवी को अपना साथ देने के लिए विवश कर लिया तो उनकी अपार शक्ति आप सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रावण एक अत्यधिक बलशाली योद्धा है। माता तारा की अवैधिक पूजा पूर्ण कर वो अपराजेय बन जाएगा। माता तारा देवी की शक्ति के संयोग से उनकी छत्र छाया पाकर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अपराजेय हो जाएगा वो, किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। फिर कैसे विजय प्राप्त करेंगे हम रावण पर? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।